आज मैं कलकत्ता से दिल्ली जा रही हूँ, मेरा सेमिनार है हिंदी का वहाँ पर। और कलकत्ता एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद मैं फ्लाइट में फाइनली सेटल डाउन हो गई। फ्लाइट से उतरने के बाद मैं सोची कैब या टैक्सी लेने की जगह पर दिल्ली मेट्रो का एक बार विहार किया जाए। मेट्रो से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है और मेट्रो की सुविधा बहुत अच्छी है दिल्ली में, रियली ऑसम। ये पहुंच गई मैं OSTC फरीदाबाद। काफ़ी बदल चुका है समय, इससे पहले 10 साल पहले मैं आई थी। बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। ये सामने का रूम, ये रिसेप्शन, और हम आए हैं अखिल भारतीय हिंदी अधिकारी सम्मेलन में। यहाँ का गार्डन उतना ही खूबसूरत है। मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। और ये है यहाँ का कैंटीन, भोजन कक्ष। थैंकफुली इस बार उन्होंने पनीर नहीं खिलाया, वरना हर बार पनीर पनीर पनीर। ये है वहाँ का लॉन, जहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। बाउगेनविलिया बहुत सुंदर है यहाँ पर का। सुबह सुबह यहाँ पर मॉर्निंग वॉक लेने का मज़ा ही कुछ और है। ये शिव जी का छोटा मंदिर, यहाँ मैं आकर हमेशा पूजा करती हूँ। जय बाबा भोले। निभा दिल्ली में और हम लोग कोलकाता में, और हम लोगों ने अपना ट्रिप मीटर सेट कर लिया है 0 पे और हम लोग चल पड़े दिल्ली की ओर। लॉन्ग जर्नी है, बहुत दूर जाना है। इस जर्नी में हमारे साथ हैं हमारी थार और ड्राइविंग सीट पे मैं और ये विनी और साथ में ये गौरा। तो चलिए चलते। टी ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ वर्धमान में रुके हैं। कोलकाता से हम लोग 4 बजे शाम में निकले हैं और ये भी हम लोग 1 घंटा ऑलमोस्ट चलने के बाद बर्धमान के पास है। टोटल डिस्टेंस हम लोगों को 1500 किलोमीटर के अप्रॉक्स कंप्लीट करना है। हम लोग अभी धनबाद क्रॉस कर रहे हैं। रास्ते में लिट्टी दिखा तो लिट्टी सुधा खा लेते हैं और ये लोग अपना लेज और स्लाइस के साथ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, रात में हम लोग धनबाद में ही रुक गए थे। बच्चे साथ में थे, सोचा थोड़ा उन्हें रेस्ट हो जाएगी। और अभी सुबह हम लोग निकले हैं, अभी धनबाद एरिया में ही है। रोड अच्छा है, ट्रैफिक भी ठीक ही है, बट इस रोड पे रिफ्लेक्टर्स नहीं है तो रात में ड्राइव करने में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए सुबह होते ही दिखाते हैं आपको इस रोड का नज़ारा। ये धनबाद बड़वा अड्डा के बाद का रोड थोड़ा स्मूथ है और सही है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी लगे हुए हैं, रोड पे लाइट्स भी हैं।
ये चौपारण का एरिया है। सुबह के 5 बज रहे हैं, मॉर्निंग टी ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी अप्रॉक्स 500 किलोमीटर ही हम लोगों ने कवर किया है, 1000 किलोमीटर और जाना है आगे। चौपारण क्रॉस करते ही चौपारण में आपको खीर मोहन की बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी। अभी तो टाइम नहीं है, बहुत आगे जाना है, फिर कभी। और हमारे बीवी जग चुकी है और गौरव जी सो रही है। चौपारण क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग शेरघाटी एरिया में हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये जीटी रोड है, हम लोग को आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ना है और जहाँ से हम लोग लखनऊ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए आप औरंगाबाद से भी कट ले सकते हैं, औरंगाबाद से बक्सर की ओर जाके आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं। और दूसरा है मोहनिया से आप गाजीपुर जाके वहाँ से भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हैं। ये जीटी रोड अभी यहाँ अच्छी बनी हुई है और स्पीड भी 100 प्लस के आसपास मिल रही है, तो हम लोग जीटी रोड ही आगे कवर करते हैं। ये भी हम लोग औरंगाबाद में हैं। यहाँ से आपका बक्सर के लिए एक रास्ता जाता है, आप वो लेके भी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुंच सकते हैं। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पकड़ने के लिए दुर्गांती से गाजीपुर वाला रूट लेंगे, फिर आगे हम लोग गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रास्ता ले लेंगे। जीटी रोड अच्छा है तो हम लोगों ने सोचा जीटी रोड ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हो। ये हम लोग अभी दुर्गांती से गाजीपुर जाने वाले रोड पे हैं और ये जमीनिया के आसपास वाला एरिया है। और ये हम लोग गाजीपुर गंगा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग यूपी में आ जाएंगे और फिर गाजीपुर से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रास्ता लेंगे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हम लोग लखनऊ चलेंगे। ये सामने देखिए आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कट दिखना शुरू हो गया है और इसी कट से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ओर चल पड़ेंगे। एक्सप्रेस वे पे आने के बाद आपको ट्रैफिक्स नहीं मिलेंगी, उसके बाद आप एक बार क्रूज मोड ऑन कर दीजिए और आराम से कंटिन्यूस चलते चलिए। और ये एंड ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। टोटल हम लोगों ने 3.5 घंटे लगाए इस पर। ये अभी हम लोग लखनऊ सिटी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे जाने के लिए आपको लखनऊ सिटी क्रॉस करना ही पड़ता है। अच्छा सिटी है, बहुत खूबसूरत है, लौटते टाइम पे ज़रूर रुकेंगे यहाँ पे। लोग लखनऊ सिटी क्रॉस कर रहे हैं और निभा वहाँ अपने सेमिनार अटेंड कर रही है। ये गोरा है, ये पापा है। Thank you.
शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ले लिया है। यहाँ से हम लोग आगरा तक जाएंगे और आगे आगरा पहुँच के हम लोग फिर यमुना एक्सप्रेसवे लेके सीधे दिल्ली की ओर चलेंगे। अभी शाम हो रही है और हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में हैं। अभी और किलोमीटर बाकी है, शाम हो रही है, पापा ड्राइव कर रहे हैं। ये गौरा है जो खेल रही है और हम लोग मम्मा को लेने जा रहे हैं। आगे हम लोगों ने फरीदाबाद की ओर जाने के लिए पलवल का रास्ता ले लिया जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग दिल्ली एंटर करने वाले हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए नीवा के ट्रेनिंग कॉलेज OSTC फरीदाबाद। तो ये थी हमारी कोलकाता से दिल्ली तक की नॉनस्टॉप जर्नी। ओह माय गॉड, और बगल में स्विच बोर्ड भी मिल गया उसको। चौथा का गौरा।